आदर आदा अभिनंदन आवार गुतम न में मैं अनिल सिंह कुशवाहा खुशवा बोला हूँ दोस्तों आप सबका वेलकम है स्वागत है अभिनंदन है आज हम सभी इकट्ठा हुए हैं जू मंच पे रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में जानने के लिए आज कंपनी का प्रोफाइल प्रोडक्ट और बिजनेस प्लान के बारे में जानकारी लेंगे आज हम सब बहुत लकी एन है कि ये अपॉर्चुनिटी मिला है ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी का सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट सेलिंग डायरेक्ट सेलिंग जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है एम मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर में रजिस्टर्ड चार कंपनियों में एक कंपनी है रेनेटस वेलनेस वेलनेस जो वेलनेस्ट के क्षेत्र में काम करने वाली डेढ़ सौ कंपनियों में एक है रेनेटस वेलनेस और जिसके नाम में ही वेलनेस लगा है ऐसे पंद्रह कंपनियों में एक है रेनेटस वेलनेस तो ये कंपनी सबसे यूनिक सबसे यूनिक इसलिए है कि आज यहाँ पे कोई रिपर्चेज नहीं कोई रिन्यूअल नहीं कोई आउट नहीं कोई लेग मेंटेनेंस नहीं कोई साइड मेंटेनेंस नहीं ज्वाइनिंग फी जो है रजिस्ट्रेशन जीरो है ज्वाइनिंग मात्र थोड़े से पैसे से इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और इसमें कुछ नहीं लगता है शुरू करने के लिए ना मात्र का पैसा पूंजी लगता है यहाँ से आप हर चीज हासिल कर सकते हैं केवल आपका ड्रीम सपना लगता है या डेडिकेशन लगता है आपका गोल है टारगेट है जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं दोस्तों तो आज का प्रेजेंटेशन देने के लिए बहुत ही ग्रेट ल, लीडर है हमारे पास बरेली नरेश हैं बरेली के किंग हैं फ्यूचर किंग हैं हमारे राम अवतार मौर्य जी हैं तो एक बार चलते हैं राम अवतार मौर्य जी आपका वेलकम है स्वागत है वंदन अभिनंदन है आप अपने साइड से अनम्यूट हो सकते हैं आपको अनम्यूट किया गया है राम अवतार जी रॉकिंग रेनेटर्स रॉकिंग रॉकिंग सभी पार्टिसिपेटों का मैं राम अवतार मौर्य हार्दिक अभिनंदन बंदन व नमन करता हूं क्या मेरी आवाज आ रही सर बिल्कुल क्लियर है तो कंटिन्यू स्टार्ट करें सभी साथियों के लिए पुनः अभिनंदन बंदन मैं बरडी से राम अवतार मौर्य आप आप सभी के बीच में आज का प्रेजेंटेशन करने जा रहा हूँ और मैं लाइफ का पहला प्रेजेंटेशन करूंगा ऐसा जो अभी तक नहीं किया है उससे अच्छा करूंगा अब तक जो किया है उससे सबसे अच्छा करूंगा दोस्तों बाई नोवा बाई रेनेडस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड ही क्यों किया जाए यानी रैनेडस ही क्यों किया जाए दोस्तों यहाँ पर आपको दोबारा कोई परचेजिंग नहीं करनी होती है यहाँ आपको कोई भी लैग मेंटेन नहीं करनी होती है दोस्तों यहाँ पर दोबारा आपको आईडी जनरेट नहीं करनी होती है यहाँ पर आपको अनलिमिटेड डेप तक जनरेशन इनकम आता है दोस्तों यहाँ लोग प्रोडक्ट एक व्यक्ति यूज करने के बाद दोबारा प्रोडक्ट मांगता है यहाँ दोबारा थोपने की जरूरत नहीं होती है तो दोस्तों बात करते हैं ड्रीम की गोल की तो गोल बनाने के लिए आपको आप निरी हैं तो आप इस गोल को बना सकते हैं पैसा चाहिए तो पैसा, चाहिए, तो पैसा चाहिए। कमाने के लिए आपको कई रास्ते हैं आप जॉब से कमा सकते हैं आप सेल्फ एम्प्लॉयड बनके कमा सकते हैं आप बिजनेस से कमा सकते हैं अगर आप बिजनेस ही करना चाहेंगे तो या तो आपको ट्रेडिशनल मार्केट में जाना पड़ेगा या आपको डायरेक्ट सेलिंग में जाना पड़ेगा और या अपना प्रोडक्ट खुद बना करके बेच सकते हैं इसके अलावा जब प्रोडक्ट आप आपका होगा या किसी भी कंपनी का होगा तो वहाँ सेल्स होगा सेल होगा तो बेसिक कॉस्ट होता है उसका एक हाइएस्ट कॉस्ट होता है बेसिक कॉस्ट में क्या होता है कि कहीं न कहीं व्यक्ति जो है आ, अच्छे से उसे ले सकता है हाई हाई जो कॉस्ट होता है उस कॉस्ट को व्यक्ति अप्रॉफिट नहीं कर पाता है अफोर्ड नहीं कर पाता है अब बात करते हैं बैलेंस बैलेंस एक ऐसा सेक्टर है जहां आप जो है अपनी जिंदगी को अच्छे से आज बैलेंस की बात करें तो बैलनेस में इंडिया में बहुत सारी कंपनियां हैं लेकिन सबसे अगर टॉप और सबसे अच्छी और सबसे अच्छा प्रोडक्ट मारिकल प्रोडक्ट अगर है तो वो है रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का दोस्तों बात करते हैं ह्यूमन ह्यूमन बॉडी बॉडी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर की कैसे बनता है कैसे होता है एनर्जी होती है एनर्जी के बाद कंपोनेंट्स होते हैं मॉलूकोल्स होते हैं मॉलूकोल्स के बाद में एक सेल्स तैयार होता है मेल और फीमेल के बायोलॉजिकल मिलन से एक सेल्स तैयार होता है उसके बाद टिश्यू तैयार होते हैं सेवेंटी मसल तैयार होते हैं सेवेंटी नाइन ऑर्गेन्स तैयार होते हैं इसके बाद आपके बारह सिस्टम बनते हैं बारह सिस्टम के बाद बॉडी तैयार होती है बॉडी में पांच तत्वों से बॉडी बनकर तैयार होती है सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर पानी होता है दोस्तों और पानी हमें ज़्यादा पीना चाहिए ना कि कम पीना चाहिए फूड होता है फूड हमको कम खाना चाहिए पानी ज़्यादा पीना चाहिए हम हमारे बॉडी के अंदर शुद्ध हवा जानी चाहिए शुद्ध हवा कहीं अगर बात करें तो शहरों में तो है ही नहीं गाँवों में कुछ परसेंट है तो गाँवों में शुद्ध हवा थोड़ी थोड़ी मिल जाती है तो दोस्तों हमको छः परसेंट शुद्ध हवा ऑक्सीजन मिलनी ही चाहिए इसके अलावा बात करें तो हीट हीट यानी गर्माहट आग आग हमारे अंदर खुद पैदा होती है जब हम भोजन करते हैं भोजन करते समय हमारे जठराग्नि में आग पैदा हो जाती है जब हम खाना डालते ही उसको पचाने का शुरू काम शुरू करती है लेकिन हम ऊपर से जैसे ही खाना सम... खाते समय अगर पानी को डाल देते हैं तो दोस्तों हमारा खाना पचता नहीं है सड़ता है और सड़े हुए खाने में से रस निकलता है तो हमारे हमारे ब्लड को दूषित करता है हमारे लंग्स को बेकार करता है हमारे सेल्स को बेकार करता है और हम बीमार होते जाते हैं इसके बाद स्पेस इस की बात करें तो दोस्तों स्पेस भी रखना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर देखा होगा आपने कि जगह जगह छिद्र होते हैं वो स्पेस का ही नमूना होता है तो दोस्तों हम खाना खाते समय हमको थोड़ा स्पेस रखना चाहिए जिससे हमारी बॉडी हमारा जो पाचन क्रिया अच्छे से हो सके और अच्छा हो सके इसके बाद हम बीमार ना हो अब बीमारी होने का कारण क्या है बीमारी होती कैसे है किस कारण से होती है दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन इकट्ठे हो जाते हैं टॉक्सिन बैड टॉक्सिन और अच्छे टॉक्सिन लेकिन अच्छे टॉक्सिन तो हमारी बॉडी के लिए फायदा करते हैं जो बैड टॉक्सिन इकट्ठे होते हैं जो बेकार टॉक्सिन होते हैं जो बीमारी फैलाने का काम करते हैं तो दोस्तों वो कहीं ना कहीं हमारे खान पान से आते हैं हम जो आज अनाज खा रहे हैं या फल खा रहे हैं या सब्जी खा रहे हैं सभी लोग आज केमिकल लगा रहे हैं उस केमिकल के माध्यम से सब्जी पैदा कर रहे हैं वो सब्जी में केमिकल आ रहा है तो कहीं कहीं वो हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है बॉडी के अंदर आ रहा है तो हमारे अंदर टॉक्सिन इकट्ठे हो रहे हैं इसके अलावा पानी दूषित है हवा दूषित है सभी से टॉक्सिन इकट्ठे हो रहे हैं टॉक्सिन हमारे सेल्स को खराब करता है न्यूट्रिशन हमको नहीं मिल पाता है न्यूट्रिशन अच्छे शुद्ध पोषाहार के माध्यम से हमको न्यूट्रिशन मिलता है लेकिन ड्राई फ्रूट हम नहीं खा पाते हैं अच्छे फल फलूट नहीं खा पाते हैं इसलिए हमको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता दोस्तों बात करें रेडिएशन की तो रेडिएशन तो आज मैं आज जिस लैपटॉप से अगर मैं मीटिंग कर रहा हूँ तो वो भी रेडिएशन फेंक रहा है आप कर रहे हैं वो भी रेडिएशन फेंक रहा है यानी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं वो सारे रेडिएशन को फेंकते हैं और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी की बॉडी पर जाते हैं और वो बॉडी में जाकर के अपना प्रभाव डालते हैं तो उनसे बीमारियां होती हैं चाहे वो कैंसर हो चाहे वो पैरालसिस हो चाहे वो अनपकता हो चाहे वो किडनी खराब हो रही हो चाहे और कुछ खराब हो रहा हो इसी हिसाब से स्ट्रेस की बात करें तो जिस व्यक्ति को स्ट्रेस यानी टेंशन हो जाता है टेंशन के बाद व्यक्ति बीमार होने से हो जाता है और बहुत सारी बीमारियां तो उसको घेर लेती हैं और व्यक्ति बीमार होकर के फिर कहीं ना कहीं अपना जब बीमार होना शुरू होता है तो उसे बहुत समय लगता है पहले सेल्स खराब होते हैं सेल्स के बाद हमारा खराब होता है मसल्स खराब होते हैं खराब होते हैं बारह सिस्टम में आता है जब बारह सिस्टम खराब होने लगते हैं तब व्यक्ति कहता है कि अरे मैं बीमार हो चुका हूँ जानकारी लेता है जाँच कराता है तब हॉस्पिटल जाता है तो कहीं ना कहीं वो फार्मास्यूटिकल इन एंटीबायोटिक दवाइयों से अपना इलाज कराता है एंटीबायोटिक एक एक एक, एक चीज को सही करती है दूसरे को नुकसान देती है इसीलिए इसीलिए डॉक्टर ज्यादा कहते हैं कि कुछ समय तक आप लीजिए उसके बाद आप एंटीबायोटिक बंद कर दीजिए नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है तो दोस्तों इसके अलावा दूसरा रास्ता है आपका एंटी न्यूट्रिशन न्यूट्रीसुटिकल में जाते हैं तो एंटी मिल जा जाता है एंटी अगर मिलता है तो हमारे हमारे अंदर से बीमारियों को मार मार के बाहर किया जाता है यानी वो हमारे सेल्स को सही करता है इम्पोर्टल हेल्थ में बात करें तो आप आयुर्वेदा आहार लीजिए यानी आयुर्वेदा आहार का मतलब है कि हम हमारे घरों में अच्छे से हल्दी है मिर्च है अच्छी मिल जाए इसके अलावा शुद्ध पोषाहार मिल जाए शुद्ध पोषाहार मिल जाए तो हम बीमार कम होंगे इसके अलावा हम योगा करें मेडिटेशन करें तो कहीं ना कहीं हम बीमारियों से बच सकते हैं दोस्तों बात करें तो ये नोवा प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे साइंटिस्ट डा डॉक्टर सोनाकर नायक ने एक ऐसा अद्भुत नौ जोड़ी मूर्तियों का अद्भुत संगम मिलाया और एक नोवा के नाम से प्रोडक्ट दिया हम लोगों के लिए तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत बधाई और मैं बात करता हूँ उस जड़ी बूटियों का जिसके अंदर सबसे पहले मैंगोस्टीन मैंगोस्टीन एक ऐसा फल है मैंगोस्टीन फलों की रानी भी कहते हैं थाईलैंड की और ये यहलैंड में श्रीलंका में में थाईलैंड मलेशिया में पाया जाता है भरपूर मात्रा में जहां ज्यादा वर्षा होती है इसके अंदर कोलेस्ट्रोल नहीं होता है इसके अंदर फैट भी नहीं होता है इसे एंटी कैंसर कहते हैं एंटी कैंसर मतलब कैंसर के कीटाणुओं को मारने का काम करता है अगले कैंसर ना हो इसलिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है दोस्तों इसके अंदर जो है चर्म रोगों को भी सही करने की क्षमता होती है और इसके अंदर जो है एलर्जी सही करने की क्षमता होती है मैंगोस्टीन में जैंथन्स पाए जाते हैं जैंथोंस लगभग चौवन प्रकार के होते हैं चवालीस जॉन्थंस ही इसमें पाए जाते हैं दोस्तों चवालिस जॉन्थोंस जैंथन्स हमारी बॉडी को बहुत अच्छे से रिकवर करते हैं बहुत अच्छे से हमारी हमारे अंदर एनर्जी लेके आते हैं दूसरा है माकारूट माकारूट एक ऐसा फल है ऐसी जड़ है जो संजम जैसी दिखती है और ये हमारा यूरोप कंट्री के पेरू देश में पाई जाती है और पेरू देश में ये ज़्यादातर लोग जो सल इसको इस्तेमाल जैसे हमारे यहाँ आलू और प्याज को जाता है ऐसे ही वहाँ इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों वहाँ जो इस्तेमाल करते हैं वो बॉडी वो स्टेमिना उनके अंदर होता है बहुत अच्छे से ताकत होती है उनके अंदर इसे बॉडी बनाने के लिए स्टेमिना बढ़ाने के लिए इसे जो है आप अपना जो है एनर्जी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया कर सकते हैं

बैकग्राउंड देखा कि यहाँ पर सब कुछ खत्म है लेकिन ये पौधे क्यों हरे भरे हैं तो वहाँ एक इसका जांच की गई और जांच करने के बाद पता लगा कि इसके अंदर न्यूक्लियर अटैक को रोकने की बहुत बड़ी पावर है जब न्यूक्लियर अटैक को रोका जा सकता है तो कहने के रेडिएशन हम पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा रेडिएशन से होने वाली जितनी बीमारियां हमारे बॉडी के अंदर अगर हो रही हैं कोई भी बीमारी क्यों रेडिएशन से नपता भी होती है तो अगर कोई बीमारी अगर होती है तो इसको ये आप खत्म कर देता है और व्यक्ति को स्वस्थ कर देता है इसके बाद है एल्डरबेरी एल्डरबेरी एक ऐसा फल है जो हमारे इंडिया में बहुत अच्छे से मात्रा में मिल जाता है लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता है बहुत सारी जड़ी बूटी हमारे यहाँ मिल जाती हैं उन जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी ना होने की वजह से हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं एल्डरबेरी हमारे यहाँ मकई के नाम से जाना है काली मकई के नाम से इसके अंदर एंटी कैंसर होता है एड्स के रोगियों को भी रोकने की क्षमता होती है इसके अंदर डायबिटीज को भी कंट्रोल करने की क्षमता होती है इसको वजन घटाने में भी काम करते हैं इसके अंदर विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होता है और इसके अंदर तो विटामिन आपका जो है दमा सांस खांसी सर्दी सभी में ये काम करता है बहुत अच्छे से दोस्तों इसके बात करते हैं रासप्य रास एक ऐसा फल है जिसके अंदर बहुत सुंदरता होती है और ये इसे जो है जो इस्तेमाल करता है वह सुंदर होता है और इसके अंदर ओमेगा थ्री भरपूर मात्रा में होता है और इसके अंदर जो है आपका कैलेस्ट्रोल बिल्कुल नहीं होता है और वजन घटाने में काम करता है और इसके अंदर आपका एंटी एजिंग होता है एंटी एजिंग का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति इसको इस्तेमाल करता है तो उम्र दराज नहीं लगता है यानी अगर अगर साठ का है तो चालीस का लगेगा उसके अंदर खूबसूरती दिखेगी तो यह फल बहुत अच्छा है इसके अलावा बात करते हैं ब्लैक करंटी ब्लैक करंटी एक ऐसा फल है ब्लड को पूरीफाई करता है ब्लड को साफ करने का काम करता है चाहे वो लेडी हो या जेंट्स हो कोई भी सही हर ब्लड को फर्क प्यिफाई करता है इस जैसे अल्जाइमर कोई भी रोग है आर्थराइट है यानी गठिया है ऐसे रोगों में ये लीवर खराब हो रहा हो लीवर में कोई परेशानी हो या या पथरी हो या गैनोपाज हो ऐसे कोई भी रोग में ये काम करता है दोस्तों और पीठ के टाइम में जो भी प्रॉब्लम आती है उन प्रॉब्लम को भी दूर करने का काम करता है दोस्तों इसके बाद सॉर्चरी सॉर्चरी एक ऐसा फल है जो कि बहुत अच्छा चमकीला फल है ये दक्षिण दक्षिणी पूर्वी की टर्की देश में पाया जाता है इसके अंदर जो है विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होता है और इसे खट्टी चेरी भी कहते हैं खट्टी बहुत होता है इसके अंदर जो है आपका एंथोसाइनिस की मात्रा बहुत अच्छी से होती है इसमें इससे हार्ट अटैक के बीमारियों को भी दिया जाता है हार्ट अटैक ना हो इसलिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों आ, इसके अंदर जो है स्ट्रोक इन टाइप टेंशन को भी रोकने की पावर होती है अगर टेंशन आप कर रहे हैं तो टेंशन को भी कंट्रोल करता है और इसके अंदर टाइप टू करता है टाइप टू डायबिटीज यानी जो व्यक्ति इंसुलिन भी लेते हैं तो इंसुलिन छुड़ाने का भी ये काम करता है इसके बाद बात करते हैं ज्ञानोडरमा ज्ञानोडरमा एक ऐसा आ, ऐसा हर्ब है एक ऐसी जड़ी बूटी है ज्ञानोडरमा को जड़ी बूटी को राजा कहा जाता है और ये इसको मैंने पंद्रह साल पहले इस्तेमाल किया था बहुत अच्छे से आ, और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है दोस्तों गेनोडरमा को अगर बात करें जैसे हमारे लैपटॉप अगर लैपटॉप हैंग कर रहा है और लैपटॉप में हो गए हैं तो, दो तो उस लैपटॉप को संभालवाने के लिए हम जाते हैं एंटी क्या करता है? उस वायरस है, को खराब को बाहर करने का, का काम करता है अपनेट करके खत्म करने का, का काम करता है और पूरे लैपटॉप को यानी मोबाइल को क्लीन कर देता है ऐसे ही गहरमा किसी भी बीमारी को काम करता है हमारे अंदर जो खराब टॉक्सिन है हमारे खराब वायरस है उन वायरस को निकाल के बाहर फेंकने का काम करता है और हम स्वस्थ होते होते चले जाते हैं दोस्तों बात करते हैं सिगरू की सिगरू को मोरंगो भी कहते हैं और हमारे यहाँ सैजना कहते हैं दोस्तों सिगरू के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी है चाहे वो कैलेस्ट्रॉल की बात कर ले कैलेस्ट्रॉल को सही करता है ब्लड प्रेशर को सही करता है ब्लड ब्लड शुगर को सही करता है डायबिटीज को सही करता है कैंसर को सही करता है हमारे अंदर स्टेमिनल आता है कोई भी बीमारी सही बहुत सारी बीमारियां अगर एक एक हर्ब्स की बात करें तो दोस्तों दो दो -ती, तीन तीन सौ चार चार सौ बीमारियों पर काम करता है बीमारियों की बात करें तो चार हजार बीमारियां हैं चार हजार बीमारियों में तीन हजार बीमारियों को रब ठीक करता है चाहे वो जैसे मालिक कह लें अल्लाह कह लें खुदा कह ले कोई भी सही तीन हजार बीमारियों को वो ठीक करते हैं एक हजार बीमारियों को डॉक्टर या या डॉक्टर है। हैं आयुर्वेदिक में है या होम्योपैथिक में या एलोपैथिक में है ये सारे लोग एक हजार बीमारियों को काम कर पर काम करते हैं तो दोस्तों हमारा ये जड़ी बूटी का जो रैन टनोवा है ये भी एक हजार बीमारियों के काम करता है किसी बीमारी में ये सहयोग करता है और बीमारियों को ठीक करने के बाद बॉडी को मेंटेन करने का काम करता है दोस्तों तो अब इस जड़ी जड़ी मूलियों को हम मार्केट से लेते हैं मार्केट में अगर जाएंगे तो दोस्तों ये कम से कम कम से कम दस हजार रुपए से कम नहीं पड़ेगी अगर यही बात करें तो हमारे यहाँ आप लेंगे तो पंद्रह सौ उनचास रुपए में आपको तो ये प्रोडक्ट मिल जाएगा और पंद्रह उनचास में लेने के बाद आप अपने अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं अपने परिवार को स्वस्थ कर सकते हैं दोस्तों इसकी एम आर पी है पंद्रह उनचास और डी पी है तेरह सौ पचास और इसमें जो सी सी मिलते हैं वो सोलह मिलते हैं एक सी सी बराबर साठ रुपए के बराबर होता है सी सी मतलब कंट्री करेंसी कंट्री करेंसी यानी जिस के देश में हम पैसा होता है उस देश का उस देश को को कहते हैं कंट्री और रुपए को कहते हैं करेंसी तो हमारे यहाँ इस पर जो प्लान डिजाइन किया गया है वो कंट्री करेंसी के ऊपर किया गया है यानी सोलह सीसी एक बोतल मिलती है तो एक सीसी सी साठ रुपए की होती है तो एक सीसी गुण साठ बराबर सोलह गुणासठ बराबर नौ सौ साठ रुपए हो गए नौ सौ साठ के हिसाब से पैसा बढ़ता है और इसमें आपको प्रॉफिट जो मिलेगा अगर आप एम आर में बेचेंगे तो आपको एक सौ रुपए का प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों अब बात करते हैं आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं आपने इसको इस्तेमाल किया और रिजल्ट आया आपको लगा कि यार इसको आ, हमने तो कर लिया हम तो स्वस्थ हो गए तो हम दूसरों को बता दें अगर आप दूसरे को बताने का काम करते हैं दोस्तों तो 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 आपको यहां इनकम मिलेगी शुरू करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा रजिस्ट्रेशन में आपको आधार कार्ड पैन कार्ड और बैंक के डिटेल और नॉमनी नॉमनी का नाम नाम नॉमनी की डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी आई डी देकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन करा करके अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और बिजनेस शुरू करने के लिए आपको एक्टिवेशन करना हो करानी होगी अपनी आईडी एक्टिवेशन कराने के लिए आप आप जो चाहें तो हाईएस्ट पैकेज हमारा है हाईएस्ट उस बोतल खरीद आप अपना सिस्टम को शुरू कर सकते हैं आप 40 बोतल 40 बोतल अगर खरीदते हैं अपनी आईडी पर तो दोस्तों आपको बोतल पड़ेगी बारह रुपए के हिसाब से और आप डीपी की बात करें तो टोटल डीपी इक्यावन हजार दो सौ रुपए पड़ेगी और एम आर पी इकसठ हजार नौ सौ साठ रुपए पड़ेगी और आप यहां पर मैचिंग कमीशन ले सकते सोलह परसेंट यहां मैचिंग कमीशन लेने के लिए आपको डायरेक्टर वन थाउजेंड होना जरूरी होता है इसके अलावा अगर आप चालीस बोतल नहीं ले पाते हैं तो आप अट्ठारह बोतल ले सकते हैं अठारह बोतल लेते हैं दोस्तों तो आप यहां पर बोतल आपको जो है तेरह सौ रुपए के हिसाब से पड़ेगी और आपको यहाँ एम आर पी और डी पी तेईस हजार चार सौ रुपए की पड़ेगी यहाँ आप चौदह परसेंट मैचिंग कमीशन पर पहुंच सकते हैं और यहाँ आपको डायरेक्टर टू फाइव वो डायरेक्टर फाइव हंड्रेड आपको मैनेज करना जरूरी होता है दो, दोस्तों इसके अलावा अगर आप अठारह भी नहीं ले पाते हैं तो कंपनी कहती है कोई बात नहीं आप और नीचे आ जाइए आप दस बोतल ले लीजिए दस बोतल लेते हो तो आपको

और डीपी सात हजार नब नौ सौ रुपए होती है यहां पर आपको बोतल एक सौ सो सोलह रुपए के हिसाब से मिलेगी तो दोस्तों यहां पर आप दस परसेंट मैचिंग कमीशन उठा सकते हैं कंपनी कहती है अगर आपके पास इतना भी पैसा नहीं है तो आप शुरुआत कर सकते हैं मात्र मात्र दो बोतल से दो बोतल लेकर के आप शुरू कर सकते हैं और वो बोतल आपको पंद्रह के हिसाब से मिलती है तो आपको एम आर पी रोड हो गया तीन हजार अट्ठानबे और वही बोतल आपको डी पी रेट मिलती है तेरह सौ पचास रुपए के हिसाब से तो आपको सत्ताईस सौ रुपए की देनी होगी और यहाँ पर आपको आठ परसेंट मैच मिलती है तो दोस्तों आप चाहे किसी भी तरह से कितनी भी बोतल लेकर के शुरुआत कर सकते हैं अगर दो बोतल से करते हैं तो आप धीरे धीरे करके भी आप जी चालीस बोतल खरीद सकते हैं इस तरह से आप शुरुआत कर देते हैं और शुरुआत करने के बाद मैंने बता दिया आपको प्र... पहली इनकम आपको प्रॉफिट एमआरपी और डीपी का प्रॉफिट मिलेगा एक सौ निन्यानवे रुपए और आप दूसरी इनकम की बात करें तो आपका मैचिंग इनकम है मैचिंग इनकम आपके सीसी से मैचिंग होगा करेंसी से मैचिंग होगा आपकी टीम में जैसे ही 500 सीसी लेफ्ट 500 सीसी राइट हो जाते हैं तो कंपनी कहती है आपकी इसको मैचिंग मिल जाती है और अगर चाहे एक साइड में अगर ज्यादा बिजनेस हो रहा है तो वो आपका रिजर्व हो जाता है अगर आप एक, आप जो है अगर आठ परसेंट पे हैं तो आपको पांच सौ सी का चौबीस चौबीस सौ रुपए मिलेगा अगर आप दस बोतल से हैं तो आपको तीन हजार मिलेगा आपको बारह बोतल से आप आए हैं तो छत्तीस मिलेगा आप अठारह बोतल से आए हैं तो आपको बयालीस मिलेगा और आप चालीस बोतल से आए हैं तो दोस्तों आपको अड़तालीस रुपए मिलेगा और यहाँ पर आप छह हजार रुपए वीकली से लेकर के इक्कीस लाख रुपए वीकली तक कमा सकते हैं दोस्तों एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहां पर आप मात्र दो बोतल खरीद करके आप करोड़ों रुपए महीने कमा सकते हैं दोस्तों कहाँ है ये बिजनेस आप सोचने की बात है दोस्तों पिछले भी हमने बिजनेस किया है पिछले भी हमने किसी न किसी कंपनी काम किया तो वहां पर मात्र चार लाख रुपए मंथली तक हम कमा सकते थे दोस्तों अगली इनकम है जनरेशन इनकम जनरेशन इनकम कैसे मिलती है किसी कंपनी में पांच डेप तक जनरेशन इनकम मिलती है किसी कंपनी में दस डेप तक मिलती है किसी कंपनी में आपके जो है

अब 500 सीसी लेफ्ट 500 सीसी राइट होने पर आपको कंपनी दो डिब्बी गिफ्ट देगी दोस्तों रिट्रीट की बात करते हैं अगली इनकम रिट्रीट कंपनी ने साल भर में साल भर को चार भागों बांटा है यानी तीन जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी अक्टूबर नवंबर दिसंबर इस तरह से आप इनको 3 महीने में तीन हजार सी लेफ्ट तीन हजार सी राइट अगर कर लेते हैं तो दोस्तों आप बन जाते हैं रीट रीट के अचीवमेंट पर और आपको कंपनी फाइव स्टार होटल में दो दिन एक रात के लिए ले जाएगी खिलाएगी पिलाएगी और वहां से खाएगी बिजनेस कैसे होता है दोस्तों अगले इनकम की बात करते हैं अवार्ड और अवॉर्ड की अवार्ड यानी ये अवार्ड और अवॉर्ड आपको जो है जब आप एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं एग्जीक्यूटिव रैंक से शुरू होता है एग्जीक्यूटिव जब बनते ही आपको कंपनी दस हजार रुपए का एक टैब देगी और पांच हजार रुपए कैश बोनस देगी जब आप सीनियर एक्जुटी बन जाते हैं तो कंपनी आपको एक लैपटॉप प्रोजेक्टर देगी और दस हजार रुपया कैश देगी जब रीजनल एक्जुडी बन जाते हैं तो कंपनी आपको एक एलईडी स्मार्ट एलईडी टीवी देगी और पचास हजार रुपया कैश देगी जैसे ही एलाइट एक्जी बन जाते हैं तो कंपनी दो लाख रुपए आपको कैश दो लाख रुपए कार फंड देगी और एक लाख रुपए कैश देगी इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे और लास्ट में आप किंग बन जाते हैं तो किंग बनने पर आपको कंपनी छ करोड़ रुपए देती है बंगले के लिए चार करोड़ देती है आपको कैश बोनस दोस्तों टोटल अगर ये अवार्ड की बात करें तो तैतीस करोड़ रुपए आपको मिल जाता है दोस्तों अगली बात करते हैं टूर की, टूर एंड एंड की आप कंपनी आपको विदेश घुमाने ले जाती है जब 45000 सीसी लेफ्ट और राइट आप मेंटेन कर लेते हैं तो छह महीने के अंदर तो कंपनी आपको थाईलैंड मलेशिया सिंगापुर का टूर देगी तीन रात चार दिन का आना जाना खाना पीना घूमना फिरना ठहरना रहना सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा दोस्तों अगली इनकम की बात कर अगला टूर की बात करते हैं अगर आप पैंतालीस हजार की मैचिंग नहीं कर पाते हैं तो आपको एक लाख पैंतालीस हजार सी एक लाख पैंतालीस हजार राइट और लेफ्ट कर लेते हैं वो भी एक साल में एक साल में कर लेते हैं तो दोस्तों कंपनी आपको यूरोप का टूर देगी और वो भी देगी सात रात छह रात सात दिन का और जबरदस्त टूर है इसके अलावा बात करते हैं नेशनल अचीवमेंट की जब रीजनल एलाइट एक्सक्यूटिव बन, तो बन जाते हैं दोस्तों, अगली है, आपका रीजनल बन जाते है, तो कंपनी आपको इंटरनेशनल आप कंपनी हमारी विदेश में ही पहुंच रही है नेपाल में पहुंच चुकी है अगले देशों में भी काम होगा तो दोस्तों यहां पर आप इंटरनेशनल अचीवमेंट दो परसेंट ले सकते हैं अगले बात करते हैं मैच, मैचिंग जो आपकी कमीशन आएगी वो आपकी कैपिंग के माध्यम से आएगी अगर आप एसोसिएट में जाते हैं एक लेफ्ट एक राइट आप जोड़ लेते हैं तो आपको छ हजार आप जाते हैं यानी सौ सी सी लेफ्ट सौ सी सी राइट में जाती है तो आपको दस हजार रुपए की मैचिंग में तो उठा सकते हैं इसके अलावा दोस्तों आप जो है डायरेक्टर टू फाइव हंड्रेड में जाते हैं तो आप बारह हजार सौ उठा सकते हैं पंद्रह हजार उठा इसके बाद पंद्रह हजार रुपए वीकली बीस हजार रुपये वीकली चालीस हजार एक लाख दो लाख तीन लाख पांच लाख चार लाख छह लाख सात लाख आठ लाख नौ लाख दस लाख ग्यारह लाख बारह लाख दोस्तों बारह लाख रुपए वीकली तक लोग कमा रहे हैं बारह लाख जो व्यक्ति कमा रहा है तो पचास लाख रुपए तो पचास लाख रुपए तो ये हो गया बाकी कंपनी टर्न हो गया और बाकी जो है आपका जनरेशन कम हो गई तो दोस्तों करोड़ों रुपए महीने का ये बंदा कमा रहा है और लास्ट में होती है किंग रैंक किंग रैंक पे आप 21 लाख रुपए बिक्री तक कमा सकते हैं तो इस तरह से ये प्लान था दोस्तों जो मैंने आपके सामने पेश किया बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त एक ऐसा प्लान जहां से आप सक्सेस और सफल हो सकते हैं दोस्तों मैं बात करता हूं इस प्रोडक्ट को लेना कैसे है आपको सुबह को मॉर्निंग टाइम में फ्रेश होने के बाद में शीशे के गिलास में पानी डालने पर गर्म पानी डालेंगे उसमें आप शुरू में एक कैप्सूल सुबह एक कैप्सूल शाम लेते रहेंगे और उसके बाद पांच दिन बाद दो कैप्सूल सुबह शाम लेंगे और इसको लेते समय आपको जो है चुस्की लगा के पीना जैसे जैसे चाय पीते हैं पीते रहना दोस्तों बहुत अच्छे से आपको फायदा करेगा और परहेज क्या करना है परहेज क्या करना है दोस्तों दोस्तों आपको पांच जहर नहीं खाना है सफेद जो कि बहुत साइलेंट जहर होते हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान देते हैं चीनी चीनी जगह गुड़ गुड़ ले सकते हैं सक्का ले सकते हैं खान ले सकते हैं या रिफाइंड रिफाइंड की जगह आप, आप कच्ची खाने का तेल अपने पुरवा के यूज कर सकते हैं इसके अलावा आप राइस ब्रांड और भी ले सकते हैं और इसके अलावा आप सफ़ेद मैदा सफ़ेद मैदा को यूज नहीं करना है आपको सफ़ेद मैदा क्योंकि ये बहुत नुकसान देता है और इसके अलावा दूध दही दूध दही क्योंकि दूध दही इसलिए मना किया जाता है क्योंकि दूध दही जो है मार्केट में जो दूध आ रहा है वो सब आ, मिलावट खोर आ रहा है मिलावट खोर, आपको नुकसान देता है दोस्तों नमक 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 की बात सफेद नमक। सफेद नमक जो आ रहा है टाटा वाला इसमें आयोडीन ज्यादा होता है आयोडीन हमारे ज्यादा ज्यादा आयोडीन हमारी बॉडी के लिए नुकसान देता है और इसमें केमिकल मिला जाता है दोस्तों ये हमको नुकसान देता है इसलिए इसकी जगह आप लाहौरी नमक जिसे सेना नमक कहते हैं उसको इस्तेमाल करना है कद्दू और बैंगन को भी नहीं लेना है ये आपका बादी होता है नुकसान देता है दोस्तों तो मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ समाप्त होता है और मैं अपनी एक अपनी बात बात को यही बराम देता हूँ एक शेर के साथ कि गमों की आंच पर आंसुओं को वाल कर देखो गमों की आंच पर आंसुओं को वाल कर देखो बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो तेरी दुल की चौब तभी कम होगी मेरे दोस्त किसी के पैर का कांटा निकाल कर देखो निकाल कर देखो जय रनर रॉकिंग रन लाजवाब एक्सीलेंट मार्वेलस बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार बहुत ही लाजवाब प्रेजेंटेशन दिया राम अवतार जी ने बहुत बढ़िया ये बिल्कुल रियल में बहुत निखार आ चुका है इनका पहले से और बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन सरल शब्दों में इतना आसान शब्दों

एक एक शब्द विस्तार से सर ने समझाया बहुत अच्छे से समझ में आई होगी इतनी ठहराव के साथ सर ने एक एक चीज का क्लियर किए हैं ऐसा हम लोग कब आएगा हम तो ये सोच रहे हैं सर बहुत अच्छा बहुत अच्छा मजा आ गया सर इस तरह सबको जाना you, thank है, thank है। अब काम करना है थैंक यू सर थैंक यू किंग सर कोकिंग गोकिंग गोकिंग थैंक यू जो है आने के लिए और मैम बहुत अच्छा बतला है और डेली आते रहिए लोगों को लेके आई अपने टीम को लेकर आई है हमारे बीच में नारी शक्ति किसान नारी शक्ति की जान संध्या गुप्ता मैम ने हेन किया तो चलते हैं एक बार संध्या मैम आपका वेलकम है स्वागत है वंदन अभिनंदन आप अपने साइड से अनम्यूट हो सकते हैं आपको अनम्यूट किया गया है संध्या गुप्ता मैम आपका वेलकम है स्वागत है वंदन अभिनंदन में संध्या गुप्ता मैं आपको अनम्यूट किया गया आप अनम्यूट हो सकते हैं। रॉकिंग रेनेटर्स। संध्या गुप्ता मैम आपका वेलकम है स्वागत है वंदन अभिनंदन है हेलो सर आवाज आ रही है सर। जी आ रही है रॉकिंग रेनेटर्स okay, नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहा है सर बहुत अच्छा बताया प्लान के बारे में बहुत बढ़िया बहुत शानदार सर ने हमारे गेस्ट आई है संजू देवी झारखण्ड देवघर से जी जी संजू देवी संजू मैम आपका वेलकम है स्वागत है वंदन अभिनंदन आप अपने साइट से अनम्यूट हो सकते हैं आपको अनम्यूट किया गया है, है, है नए लोगों को भी ला सकते हैं है, और डेली आपको आना है सुबह सात पांच मिनट पे यहाँ आपको हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों चीज एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह पे मिलता है तो आपको संजू मैम आपका आपको अनम्यूट किया गया आप अपने रॉकिंग 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 कैसे हैं अच्छे हैं सर कैसा लगा प्रेजेंटेशन आज का अच्छा लगा सर तो डेली आते रहिए सीखते सिखाते रहिए अपने गेस्ट को लेके आइए और जल्दी से इस बिजनेस में सफल होइए थैंक यू मैम आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका वेलकम है और नेक्स्ट संध्या मैम और कोई गेस्ट है नहीं सर थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू थैंक यू मेहमानने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद -बहुत डेली आते रहिए सीखते सिखाते रहिए लोगों को लेके आइए नेक्स्ट जो चलते हैं हमारे बीच में सुगंधी में नारी शक्ति की जान नारी शक्ति की जान सुगंधी में आपका वेलकम है स्वागत है वंदन अभिनंदन है आप अपने साइड से अनम्यूट हो सकते हैं आपको अनम्यूट किया गया है रॉकिंग सर रॉकिंग रॉकिंग रेनेटस रॉकिंग बहुत बढ़िया सर अवी ने बहुत ही ही बढ़िया से बताया अच्छा बहुत अच्छा सर सुपर थे अभी एक गेस्ट से मैं कॉन्फ्रेंस से बात कराऊंगी अभी मीटिंग से बात कराती ठीक है बिल्कुल तो उनका न, न, उनका नंबर भी दे सकते हैं है, तो, है, तो दोस्तों थैंक यू मैम आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप डेली आते रहिए सीखते सिखाते रहिए लोगों को लाइए और नेक्स्ट जो चलते हैं हमारे बीच में जो है वीरेंद्र जी जो वीरेंद्र कुमार मौर्य जी जो बरेली से है एक बार इनको अनम्यूट किया जाता है बिरंद जी आपका वेलकम है स्वागत है वंदन अभिनंदन है आप अपने साइड से अनम्यूट हो सकते हैं रॉकिंग रेनेटर रॉकिंग सर रॉकिंग 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 जो पे आए सभी पार्टिसिपेट को हार्दिक अभिनंदन बंदन सर और आपने मुझे अनम्यूट किया सर आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आज रामाता सर ने बहुत ही जानदार और बहुत ही शानदार तरीके से प्रेजेंटेशन किया और हमें रेनाटस नोबा की आज क्यों ज़रूरत है आज रेनाटस नोबा हमें क्यों लेना चाहिए आज बहुत बारीकी से बहुत शानदार से प्लान और नो इनग्रेडेंट के बारे में बहुत सरल तरीके से समझाया रामातर सर को धन्यवाद थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी और आपका प्रेजेंटेशन कब रखा जाए प्रेजेंटेशन रख सर दो चार दिन बाद दो चार दिन कल रखे आपका कल शादी में जाना हो रहा है दो चार दिन बाद रख देना सर ठीक है शादी है मंडे को मंडे मं, मंडे को रखे आपका मंडे को रख दो सर मंडे सुबह सात बज के पांच मिनट पे आपका रहेगा तो आप तैयारी कर लीजिए ठीक है वीरेंद्र जी जी सर जी दो, दोस्तों मंडे को भी डॉक्टर वीरेंद्र जी का रहेगा प्रेजेंटेशन आप ज्यादा से ज्यादा लेके ले आए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बरेली से बरेली के किंग है हमारे और थैंक यू वीरेंद्र जी आने के लिए धन्यवाद डेली आते रहिए नेक्स्ट हमारे लक्ष्मीकांत मौर्या जी को अनम्यूट किया जा रहा लक्ष्मी है लक्ष्मीकांत मौर्या जी आपका वेलकम है स्वागत है अभिनंदन है अपने साइड से अनम्यूट हो सकते हैं रॉकिंग रेनेटर्स रॉकिंग सर रॉकिंग सर आवाज आ रही है बिल्कुल आ रही है बोलिए सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने मुझे अनम्यूट किया जी जी और सभी साथियों पर सभी साथियों को जूम मीटिंग में जो भी आए हुए हैं सभी का वेलकम है बंदन अभिनंदन है जी सभी साथी लोग अपने साथ दो दो चार चार लोगों को जरूर लेकर के आया करें सीखें और सिखाएं आज राम अवतार सर ने बहुत अच्छे तरीके से प्रोडक्ट के बारे में प्लान के बारे में अच्छे से बताए हम कैसे स्वस्थ रख रह सकते हैं हम बीमार कैसे पड़ते हैं इसके बारे में सर ने बताया सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर ने बहुत सरल शब्दों में समझाया जो सबको समझ में आया होगा राम अवतार सर जिंदाबाद रॉकिंग सर रॉकिंग थैंक यू सर रॉकिंग ग्रेनेट्स सर रॉकी रॉकी ग्रेनेट्स सर डेली आते रहिए सीखते रहिए सिखाते रहिए नेक जो चलते हैं हमारे नथुलाल जी हैं एक बार चलते हैं नथुलाल जी आपका वेलकम है स्वागत है वंदन अभिनंदन है आप अपने साइड से अनम्यूट हो सकते हैं आपको अनम्यूट किया गया है तो नथुलाल जी आपका वेलकम है स्वागत है जी धन्यवाद बहुत 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 धन्यवाद करने के लिए जी जी आ रही मेरी आवाज सर बिल्कुल आ रही है आप कहा मुरादाबाद से अच्छा मुरादाबाद से बोल रहे हैं। मुरादाबाद जी तो कैसा ल, कैसा लगा आज का प्रेजेंटेशन आपको जी जी रामो जी का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा और ये मेरे बहुत कॉलेज कलीग है बेस्ट फ्रेंड है बहुत दिनों